नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राजपथ पर गर्म जोशी से किया बहादुर बच्चों का अभिवादन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चे शनिवार को जब राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए, वह नजारा सभी के लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। नन्हे बच्चों और उनके बहादुरी के कारनामे को सुनकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने मन से हाथ हिलाकर बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। राजपथ पर भारतीय सेना ने दिखाया दम। तीनों सेनाओं ने किया शक्ति प्रदर्शन। भारत के 70वें गणतंत्र दिवस का जश्न शनिवार को राजपथ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में इस बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं राजपथ पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेना प्रमुखों के साथ अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिलने के बाद कहा कि मुझे अपने महान देश के लोगों से उससे कहीं अधिक मिला जितना मैंने उन्हें दिया है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार ने प्रणब मुखर्जी के अलावा जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख और प्रख्यात गायक संगीतकार और गीतकार भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। पहली बार राजपथ की परेड में दिखी असम राइफल्स की महिला टुकड़ी, मेजर खुशबू ने किया नेतृत्व। गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर ऐतिहासिक डेयर डेविल टीम के तहत असम राइफल की एक टुकड़ी की अगुवाई में अदम्य नारी शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला। राजपथ पर पहली बार असम राइफल का महिला सैनिक का दस्ता नजर आया। इसका नेतृत्व मेजर खुशबू कंबर ने किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया। भूपेंद्र बघेल ने शनिवार को ऐलान किया कि राज्य के किसानों का सिंचाई कर माफ किया जाएगा। ये कर्ज करीब 2017 करोड़ रुपए का है। सिंचाई कर माफी से सूबे के 15 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। रायपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण के दौरान उन्होंने यह बड़ा ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 15 साल बाद भाजपा को हराकर सत्ता में वापसी की है। लांस नायक नजीर अहमद बानी मड़ो प्रांत अशोक चक्र से सम्मानित। जम्मू कश्मीर के सोपिया जिले में पिछले वर्ष नवंबर में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त जान कुर्बान करने वाले लांस नायक नजीर अहमद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को अशोक चक्र से सम्मानित किया। लांस नायक की पत्नी और मां ने गणतंत्र दिवस समारोह में यह सम्मान ग्रहण किया। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। बानी अशोक चक्र पाने वाले पहले कश्मीरी हैं। इस किसान के खेत में पैदा हुआ एक अजीब सा गोभी जिसके वजन से दिखाया कमाल। राजस्थान का यह किसान किसी कृषि वैज्ञानिक से कम नहीं। अपने नवाचारों के दम पर अब गणतंत्र दिवस 2019 के मौके पर उन्हें भारत के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने राज्य में बीजेपी पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन कमल अभी भी जारी है। बीजेपी ने हमारे एक विधायक को बड़ी रकम की पेशकश की। आप रकम सुनकर हैरान रह जाएंगे। हमारे विधायक ने कहा कि हमें किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। इस तरह बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मिस एशिया बन चुकी मूक बधिर सुंदरी अब बनी युवा मतदाताओं की आइकन। हम बात कर रहे हैं 21 साल की देशना जैन की। भारत निर्वाचन आयोग की यूथ आइकन बनकर देशना ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के कई वीडियो बनाए। 2018 में वह ताइवान में मूक बधिर सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस एशिया चुनी गई थी। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पर अखिलेश बोले, हम बहुत खुश हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के फैसले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राजनीति में जवान लोगों को ज्यादा मौके दिए जाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी इस फैसले से खुश है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मौका दिया है। अखिलेश ने इसे कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी का एक सही फैसला बताते हुए उन्हें मुबारकबाद भी दी। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार पर लगातार मंडरा रहे खतरे के बीच मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी इन दिनों कुछ ऐसी ही मुश्किलों में जूझ रही है।
बहुमत का आंकड़ा पाने से चूकी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई है। सरकार गठन के बाद बीएसपी विधायक रमाबाई कई बार खुले तौर पर खुद को सरकार में मंत्री बनाए जाने की मांग कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी के सक्के राजनीति में आने पर कहा, कुछ नहीं होने जा रहा, 0+0=0 ही होता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस 0 है, कांग्रेस में कोई भी आए उसके साथ 0 ही जुड़ना है। बकौल योगी, प्रियंका सभी चुनावों में सक्रिय रही हैं, पहली बार राजनीति में नहीं आई। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के निकट औरंगाबाद कस्बे में साइना बस स्टैंड के पास बने नगर पंचायत में रैन बसेरे में शुक्रवार रात बेकाबू ट्रक बिजली का खंभा तोड़कर अंदर जा घुसा। हादसे में ट्रक ने बाहर अलाव पर हाथ ताप रहे नगर पंचायत कर्मचारी समेत 4 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। भारत ने शनिवार को दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रनों से हराकर न्यूजीलैंड में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी वनडे जीत दर्ज की और 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत की लगातार 4वीं वनडे जीत है। कुलदीप की फिरकी में फंसी न्यूजीलैंड। कुलदीप यादव ने दूसरे वनडे में 45 रन देकर 4 विकेट झटके। इससे पहले भारत के लिए दोनों ओपनर ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने अपने अर्धशतक लगाए। रोहित शर्मा 87 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं शिखर धवन 66 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 6वें फुटबॉलर बने सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री भारत के 4वें सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित होने वाले 6वें भारतीय फुटबॉलर हैं। सरकार ने 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले नामों की घोषणा की थी। एयरपोर्ट पर 2 लाख के बैग के साथ दिखी कंगना रनौत, तस्वीर हुई वायरल। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका शुक्रवार को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसके बाद हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर इस दौरान उनका लुक बेहद ही खास नजर आया, उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। शादी के बंधन में बनने के बाद प्रतीक सनायर ने दिया रिसेप्शन, कई हस्तियों ने की शिरकत। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और कांग्रेस के दिग्गज नेता राज बब्बर और खूबसूरत दिवंगत एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर अपनी गर्लफ्रेंड सान्या सागर के साथ 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बन चुके हैं। शादी के बाद इस कपल ने अपना शानदार वेडिंग रिसेप्शन दिया। कल गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक आयोजन संपन्न हुए। इसी कड़ी में बरेली के आमला क्षेत्र के व्योधन खुर्द, बरसेहर, मऊ, चंदनपुर, रेवती और रामनगर के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाएगा। इस विभिन्न आयोजनों में बच्चों ने अपने स्कूलों में अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रतिभाग किया। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर कई संस्थाएं भी पीछे नहीं रहीं। इसी तरह की एक संस्था जनलत सोसाइटी द्वारा प्राथमिक विद्यालय कच्छपुरा विकासखंड जागीर जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश समाज सेवी रोहित कुमार द्वारा बच्चों को किताबें वितरित की गईं। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापक अनुपम सिंह, अध्यापिका सुमलता, नेहा राजपूत सहित आदि लोग उपस्थित रहे। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।